स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स इन योर मॉक टेस्ट 3 द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज पैसेज। द पैसेज इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट नरेटिंग द जर्नी ऑफ अ पर्सन एंड द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड। द पैसेज इज क्वाइट ह्यूमरस, written in the most humorous style. Let's have a look at the first question. The first question reads as, the writer had plenty of time to spare because. Why did the writer had plenty of time? When you will read the passage, it is, as my train was not due for another hour, I had plenty of time to spare. As my train was not due to leave for another hour. It means that he had arrived an hour earlier. ठीक है, देखिए अब ऐसा नहीं है कि पैसेज में आपको लाइन टू लाइन मीनिंग मिलेगी। अब आप ढूंढेंगे as my train was not due for another hour, I had plenty of time. तो यहाँ पे आप ट्रेन ढूंढने निकलेंगे। It means that he had arrived earlier at the railway station. Fine. So he had arrived an hour earlier. This is the meaning. This is the answer to the question B part. The writer needed the receipt. अभी receipt क्यों ढूंढ रहा है? देखिए, I made my way to the luggage office to collect the heavy suitcase. Suitcase को collect करने के लिए I have left there 3 days before. 3 दिन पहले छोड़ा था. There were only a few people waiting and I took out my wallet to find the receipt of my case. In order to get his suitcase, he had to show the receipt there. याद रखिएगा, रिसिप्ट देना था, दैट्स वाई इट इज़ टू क्लेम हिज सूट केस। क्यों ज़रूरत थी रिसिप्ट की, क्वेश्चन है। द राइटर नीडेड द रिसिप्ट टू क्लेम हिज सूट केस। फाइन, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ द राइटर फेल्ट फुलिश बिकॉज। अब जब ये ढूंढने लगा रिसिप्ट को, ही थॉट दैट इट माइट हैव लॉस्ट समवेयर। ठीक है, देखिए, द रिसिप्ट डिड नॉट सीम टू बी वेयर आई हैड लेफ्ट इट, मिल नहीं रही थी। आई एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द वॉलेट एंड द रेलवे टिकट्स, मनी स्क्रैप्स ऑफ पेपर एंड फोटोग्राफ्स टम्बल्ड आउट ऑफ इट। फिर वॉलेट बाहर निकाला, सर्च फॉर एवरीथिंग। ठीक है, हर एक चीज़ को नीचे रखा, देखा अच्छे से, बट द टिकट वॉजेंट डियर, द रिसिप्ट वॉजेंट डियर। फाइन, और जब रिसिप्ट मिली, इट वॉज इन बिटवीन द मनी कैप्ट इन द वॉलेट। Then he started laughing silly at himself rather. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, the writer felt foolish because, क्यों foolish feel कर रहा था, because he hadn't really lost his receipt at all, क्योंकि receipt जो है वो गुम नहीं हुई थी। Next, dear warrant, आगे blank है, people waiting at the luggage office। यहाँ पे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, डियर वॉरेंट, आगे ब्लैंक है, मैनी पीपल। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपके वर लिखा है, वॉरेंट लिखा है, वॉरेंट इसका मतलब है, अगर आप पैसेज में पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा था डियर वर ओनली अ फ्यू पीपल, मतलब थोड़े से लोग थे, और यहाँ पे लिखा है डियर वॉरेंट, मतलब ज़्यादा नहीं थे। इफ डियर वर ओनली अ फ्यू, अब अफ्यू का एंटोनियम आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका एंटोनियम है वेरी मैनी। फर्स्ट टाइम आप ये वर्ड सुनेंगे, वेरी मैनी, वेरी मच तो सुना होगा, वेरी मैनी काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रोट देम डाउन मीन्स, ये बहुत बार आपके टीचर्स भी यूज़ करते हैं, राइट इट डाउन। ठीक है, आप भी बोलते हो आई रोट इट डाउन, सो टू राइट इट डाउन या रोट देम डाउन पास्ट है, तो रोट लिखा है, इट मीन्स टू मेक अ नोट ऑफ समथिंग, तो आंसर है मेड अ नोट ऑफ देम। फाइन, लिख लेना। द लास्ट क्वेश्चन इज द राइटर फाउंड द रिसिप्ट, इट इज नेस्टेड विद द मनी इन हिज वॉलेट। पैसों के अंदर किसी चीज को का फंस जाना, ठीक है, वेन यू कीप समथिंग इन योर वॉलेट, इफ दैट thing penetrates or enters into another thing, like if you have kept the money and the receipt goes inside the money, तो उसे कहते हैं हम nestled with the money
इन द वॉलेट, तो वहीं पे रिसिप्ट मिली थी उसे. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. सो फाइनली वी आर डन विद द फर्स्ट पैसेज. लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड. द सेकेंड पैसेज रीड सेज, देयर इज अ जनरल कॉन्सेंसस दैट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट एट द स्कूल स्टेज एज दैट वुड एड टू द करिकुलर लोड विच इज ऑलरेडी टू हैवी. Instead, it should be woven into the curriculum and the numerous opportunities that present themselves while teaching normal school subjects may be intelligently and imaginatively used by the teacher to promote international understanding. So it's quite obvious after reading a few lines of the passage that the passage is on international understanding, that it is the need of the hour, paramount need of the hour, to bring communal harmony, to bring peace, to bring international understanding among the world. And the general notion of the world is that it should be taught as a subject, separate subject in the schools. But the opinion of writer is somehow different. I believe that it should be, as there is already a heavy burden of the subjects, so it should be added to the curriculum of the schools, not as a separate subject, but an addition to the curriculum. It should be woven into the curriculum and the numerous opportunities that present themselves while teaching normal school subjects intelligently and imaginatively by the teacher. उसी के अंदर होना चाहिए. So let's have a look at the questions now. First question is how international understanding can be taught at the school level. By combining the subject content with curriculum, अभी पढ़ा हमने, by giving numerous opportunities to the students, ये भी इसी का पार्ट है, through various subjects like history, civics, geography, when we will be including this content into our curriculum, obviously it will be giving numerous opportunities to the students also, and can be taught through various subjects like history, civics and geography. So it seems that all the three answers are correct. So option B is the answer. All of these, ठीक है. कभी भी सेंटेंस को या क्वेश्चन को आधा मत पढ़िए. लुक, अगर आपने देखा बाई कंबाइनिंग द सब्जेक्ट कॉन्टेंट विद द करिकुलम और वहीं पर आपने इसका आंसर कर लिया, सो इट विल बी रॉन्ग. सो ऑल द थ्री ऑप्शन आर करेक्ट, दैट हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल. ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दीज, ये आंसर है इसका. Next, which phrase from the passage means combined with curriculum. अभी मैंने ऊपर जो lines पढ़ी थी, it should be woven into curriculum. Combine करने का मतलब woven into, उसके साथ mix करना, combine करना. So option A is the correct answer. Woven into curriculum, woven into, एक phrase use हुआ है, it means to mix up, to combine. ठीक है. What are the two stages via international understanding should be taught as a separate subject? Postgraduate and doctoral stage, undergraduate and postgraduate stage, primary and secondary stage, secondary undergraduate stage. देखिए, एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है, ऑब्वियस है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग छोटे बच्चों को समझ अभी नहीं आएगी सेकेंडरी अंडर ग्रेजुएट स्टेज में. ठीक है, तो इसका आंसर है, द आंसर टू द क्वेश्चन इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज एंड अंडर ग्रेजुएट स्टेज. सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट पे नहीं आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पे भी नहीं आएगा, डॉक्टरल स्टेज पे और पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज पे. इसकी एग्जामिनेशन तो होती है, लेकिन एक फिलोसफिकल अप्रोच से, जिसमें थीसिस लिखी जाती हैं, जिसमें बहुत हाई लेवल पे जो है इसकी डिस्कशन होती है. ठीक है, तो दो स्टेजेस हैं जहाँ पे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को पढ़ाया जा सकता है. देखो, डॉक्टरल स्टेज में रिसर्च होती है, यहाँ पे भी कोई पढ़ाया नहीं जाता है, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट स्टेज वेयर यू लर्न समथिंग. ठीक है, बट डॉक्टरल स्टेज में आप पढ़ते कम हैं और आप प्रेजेंट ज़्यादा करते हैं. सो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज, और आपका लिखा भी है यहाँ पे, एज यू कैन चेक. हाउएवर, एट द हायर एजुकेशनल लेवल, इंटरनेशनल एजुकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. इनफैक्ट द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया ब्रॉडली कन्फर्म्स टू दिस कॉन्सेंसस एज फार एज अ स्कूल स्टेज इज
concerned. At the undergraduate and postgraduate levels, courses of study in subjects like history, geography, political science, economics, etc., international organization have been prescribed by most of the universities, and these contain content which has a direct or indirect bearing on promoting UNESCO ideals. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पे ही हम इसे पढ़ा सकते हैं. सो आंसर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9. आंसर बी, अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स. नेक्स्ट, विच वर्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस मींस फीलिंग ऑफ मोस्ट पीपल. क्वेश्चन नंबर 10, फीलिंग ऑफ मोस्ट पीपल का क्या मतलब होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा है इन्होंने. कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस जो है इसका मीनिंग है फीलिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव अ कॉमन थॉट टुवर्ड्स समथिंग एंड अ फीलिंग टुवर्ड्स समथिंग, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंसस. लाइक वी सिट टुगेदर, आई टीच यू, देन आफ्टर इफ you along with me have a common notion or common perception towards something, a feeling towards a particular subject, that is called as consensus. ठीक है. Next, which word from the passage is the opposite of the word narrow? Narrow का opposite, passage में narrow use हुआ है, narrow का आपने opposite निकालना है. तो ऐसे भी आपको पता है broad जो है narrow का antonym है, तो यही word इसका हम लिखेंगे. Find the word from the passage which means advised. अब आपने word निकालना है passage में, ये word नहीं मिलेगा आपको, advised की meaning का word मिलेगा आपको, जहाँ जिसका meaning क्या होगा, advised. देखिए बेटा, advised और proposed, ठीक है, ये match करते हैं meaning. When you give a proposal to someone, ठीक है, when you propose something that should be done, it means at the same time you are giving an advice, ठीक है. तो advice और प्रपोज्ड सेम मीनिंग देता है, स्पेशली इस पैसेज के अंदर. देखो ये सारा क्या है, सिचुएशन बेस्ड है. ऐसे तो प्रपोज्ड की मीनिंग अलग है, ठीक है, लेकिन आप देखिए पैसेज के अंदर प्रपोज्ड जो है ये मीनिंग देता है आपकी सेम एज एडवाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसेज नंबर 3. इस वाले पेपर में तीनों पैसेजेस पूछिए. देखिए कभी दो पैसेजेस, one having 7 questions, another 8, sometimes one having 5 questions, another 10, so total aapke 15 hai, theek hai, lekin inhone teenon passages aapke syllabus mein diye hain, literary, narrative and factual, fine. So last year bhi 3 passages puchi thi, to teesri passage ab hum literary dekhte hain. The passage is upon Andaman and Nicobar Islands, consisting of two groups of islands with different features and original features of the original residents. Negroid or Mongolese rehte hain wahan pe. It is strange to see how these two different groups migrated to these islands so far from the main land, from India and Myanmar. India or Myanmar ke migrants hain wahan pe, people who migrated and lived there. The aboriginals found in these islands are Jarawas, Sentinelese, Ongis, ये different different groups हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं, जो वहाँ के residents हैं, ठीक है, और Nicobaris हैं Nicobar पर. One of these Nicobaris in general and some of the Ongis have accepted the so-called modern civilization and learned the use of modern tools and facilities. ये जो लोग हैं इन्होंने नई टेक्निक्स, इन्होंने मॉडर्न टूल्स और फैसिलिटीज़ को ऑप्ट किया है, और अब ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही रह रहे हैं. दे कैन बी सीन फ्रिक्वेंटली इन द पोर्ट ब्लेयर मार्केट. द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाई द एंड सप्लाई देम विद फूड एंड अदर बाई द सॉरी एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, who make their regular visits to their island and supply them with food and other necessities. इनको देखने वाला एक department है, anthropology का department, ठीक है, उन्हें look after करता है. They frequently visit their island and they supply them with the necessities, with the food and other necessities,
ठीक है, बट दे स्टिल डू नॉट नो हाउ टू यूज अ मैच बॉक्स एंड प्रिपेयर फायर बाय रबिंग टू पीसेज ऑफ वुड. दे स्टिल डू नॉट नो. दे ऑल्सो डू नॉट नो द यूज ऑफ क्लॉथ. इफ द पीपल फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफर देम क्लॉथ्स, दे यूज देम ओनली एज टर्बन्स एंड नॉट टू रैप देयर बॉडीज. एक अजीब सी कहानी है इनकी, पीपल लिविंग देयर. ये जो दो ट्राइब्स हैं, एक निकोबारीज और ओंगीज, ये वहाँ पर अजीब तरह से रहते हैं. वेन एवर दे आर बींग प्रोवाइडेड समथिंग टू वेयर लाइक क्लॉथ्स बाई द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो क्या करते हैं वहाँ, उनका टर्बन बनाते हैं और रैप करते हैं अपनी बॉडीज़ को. दिस इज़ द पैसेज. नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर. अब देखिए ओरिजिनल रेजिडेंट्स कौन हैं. अभी हमने देखा हु आर द नेग्रोइड एंड मोंगलीज, जो वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स. द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन जनरल. द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन हैड बीन एक्सेप्टेड इन जनरल. किन्होंने जनरली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है? निकोबारीज. निकोबारीज जो हैं, निकोबार में रहने वाले लोग जो हैं, ये एक ट्राइब है उनका जिनको निकोबारीज कहते हैं, उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट किया है. द ओरिजिनल रेजिडेंट्स माइग्रेटेड टू द आइलैंड फ्रॉम, अभी हमने देखा इंडिया और म्यांमार से गए हैं लोग. सो 15 का है इंडिया एंड म्यांमार. द जैवरीज, द सेंटलीज, ऑगिन्स, ये कौन है? शॉम्पेनिटीज और मैनली फॉन्डिन, ये कहाँ पे मिलते हैं? ये लोग आपको अंडमान में ही ज़्यादा मिलेंगे, निकोबार में ये नहीं है. दे आर मैनली फॉन्ड इन अंडमान. नेक्स्ट, द एबोरिजिनल्स आर लुकड आफ्टर बाई, कौन देखता है इनको? द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, देखो जब आप पैसेज को अच्छे से रीड करोगे, इट विल बी वेरी ईजी, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाओगे. द एबोरिजिनल्स आर स्टिल इग्नोरेंट ऑफ द यूज़ ऑफ, किस चीज़ का यूज़ नहीं अभी कर सकते? मैच स्टिक और मैच बॉक्स और क्लॉथ का यूज़ अभी नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते. फाइंड द गिवन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स. हेयरलूम और इनहेरिटेड. आपने ऑप्शंस में से वो पेयर निकालना है जो सेम रिलेशनशिप दिखाता है. जैसे हेयरलूम और इनहेरिटेड का जो रिलेशनशिप है, सेम ऐसा रिलेशनशिप जो एक पेयर ऑफ वर्ड आपको बताता है, वो है सर्मन और रिलीजियस. सर्मन और रिलीजियस कैसे, मैं आपको बताता हूँ. सर्मन और रिलीजियस क्या है? देखिए एक हेयरलूम जो है, इट्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अगर इसकी बात करें तो हेयरलूम की. ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन, जैसे दादी माँ या उनसे पहले से चलता आया, जैसे हार होता है या कोई भी सोने की चीज़ या कोई भी चीज़ होती है, एन आर्टिकल, दैट इज़ कॉल्ड एज हेयरलूम. हेयरलूम जो है, इसे ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है फैमिली में. सो एक ऐसा करेक्टरिस्टिक हेयरलूम का, ठीक है, इज़ टू बी इनहेरिटेड. सो सर्मन क्या है? सर्मन इज़ अ स्पीच फ्रॉम अ प्रीचर. ठीक है, और सर्मन जो है, देखिए यहाँ पे सर्मन और रिलीजियस. सो करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्मन इज़ टू बी रिलीजियस, जैसे करेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेयरलूम इज़ टू बी इनहेरिटेड. अब ऊपर हेयरलूम का लिखा है इनहेरिटेड, ठीक है. द करेक्टरिस्टिक ऑफ हेयरलूम इज़ व्हाट? हेयरलूम इज़ व्हाट? इनहेरिटेड. द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्मन इज़ व्हाट? रिलीजियस. फाइन, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स. अब स्टोरी और नॉवेल को हमने पेयर करना है, स्टोरी और नॉवेल को. क्वेश्चन नंबर 20 में इसका आंसर है सी और ओशन. ठीक है, सी और ओशन. अब सेकंड जो है वो फर्स्ट की एक ये है वॉलोमनियस, जिसको बोलते हैं, फॉर्म है. ठीक है, स्टोरी और नॉवेल. नॉवेल इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ओशन सी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है. ठीक है, सी से बड़ा. सो नॉवेल, स्टोरी, बस इतना ही, इसका और कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा. सो स्टोरी और नॉवेल जैसे पेयर किया गया है, सी और ओशन वैसे ही पेयर किया गया है. नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स. मैडली और मिसलेनियस. मैडले, मिसलेनियस. ठीक है,
मैलेडी सॉरी एंड मिसलेनियस। यहाँ पे दिया है मैलेडी और फैटल, मैलेडी फैटल, और यहाँ पे दिया है मैडले और मिसलेनियस। देखिए मैडले क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, मैडले एक कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, ठीक है, विच मे बी मिसलेनियस एज अ मैलेडी और इलनेस मे बी फैटल और डैडली। अब देखिए फैटल और डैडली और मैलेडी, अब यहाँ पे ट्रूस भी था हॉस्टाइल भी था, ठीक है। ट्रूस क्या होता है, एग्रीमेंट टू स्टॉप वॉर होता है ट्रूस, फाइन, और हॉस्टिलिटीज़, तो हॉस्टाइल तो हो नहीं सकता इसका। लस्ट शाइन को कहते हैं, फाइन, हैंस इट इज़ नॉट डल, ये तो ऑपोजिट हो गया, ट्रूस और हॉस्टाइल भी ऑपोजिट हो गया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है इट इज़ मैलेडी एंड फैटल, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैडले और मिसलिनियस, मैडले होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स क्या हो सकता है, विच मे बी मिसलिनियस, मतलब वेरियस असॉर्टेड, तो एज अ मैलेडी। एंड इलनेस क्या हो सकती है, फैटल एज अ, फैटल एज डेडली, तो यहाँ पे मिसलिनियस फैटल के साथ मैच हो रहा है और मैडली मैलडे के साथ मैच हो रहा है, सो दीज आर द सेम वर्ड्स। नंबर 22, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, डॉन पावर और रेन, डॉन पावर और रेन। देखो डॉन पावर होता हैवी रेन, डॉन पावर का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बारिश जब गिरे, ठीक है, और ब्लिजर्ड होता है हैवी स्नो, सिंपल, बाकी किसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वेव और वाटर का तो कोई मैच नहीं होगा, डेजर्ट और हीट का भी कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि डॉन पावर मतलब हैवी रेन, ब्लिजर्ड मतलब हैवी स्नो। नंबर 23, फाइंड सूटेबल अरेंजमेंट, अब आपका आ जाता है यहाँ से सेकंड पोजीशन, जिसमें आपका ग्रामर, ठीक है, जिसमें आपके रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल्ड वर्ड्स, जंबल्ड सेंटेंसेस आते हैं। फाइंड सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस मार्क्ड एज पी क्यू आर आर एस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, ठीक है, जो हमने क्लास में भी किया था। आप देखिए यहाँ पे कि हमने इसका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ करना है, फाइन। Philip is 55 years old blind man. He enjoys the sweet smell itself. He can smell a rose but can't tell its color. He has been blind since birth. It does not matter to him. People sometimes pity him but he tells him them he is happy. आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा all the six sentences are in sequence. ऐसा ही लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, sequence में ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका राइट सीक्वेंस क्या है। देखिए इन्होंने दिया हुआ है क्यू पी आर एस, क्यू फिर आ गया पी, फिर आ गया आर, फिर आ गया एस, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे क्यू पी आर एस है, पी क्यू आर एस है, एस क्यू आर पी है या आर क्यू एस पी है। तो इसका आंसर है आर क्यू एस पी। अब देखते हैं आर क्यू एस पी में आपके पास क्या आता है। आर क्यू एस पी, आर में आपके पास सबसे पहले ही हैज़ बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, ठीक है, सबसे पहले तो उसकी सबसे पिछली डेट बताई जाएगी कि ये प्रॉब्लम कब से है। ही हैड बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए आप ऑप्शंस, नंबर वन लिखते हैं इसको, ही हैड बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ, ठीक है। उसके बाद क्यू ऑप्शन, ही कैन स्मेल अ रोज बट कांट टेल इट्स कलर, सेकेंड, ठीक है, he can smell a rose but can't tell its color because he is blind so he can't tell what color it is but smell kar sakta hai, second, uske baad s option aata hai, it does not matter to him, three, fine, it does not matter to him, and the last one is p is he enjoys the sweet smell itself, theek hai, fir wo khud hi enjoy karta hai, so pehle he has been blind since birth, second, he can smell a rose but can't tell its color,
द थर्ड वन इज़ इट डज नॉट मैटर टू हिम एंड द फोर्थ वन इज़ ही एन्जॉयज द स्वीट स्मेल इट सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 24, ही फाइंड सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज मार्क्ड एज पी क्यू आर एस. यहाँ पे भी आपने अरेंज करना है, 24 में भी आपने अरेंज करना है. सो इसका आंसर है क्यू पी आर एस, ये क्यू पी आर एस. अब देखते हैं ज़रा अरेंज करके क्या है. पहले लिखा ही कुड नॉट राइज एट ऑल वंस इन द डिस्टेंस ही हर्ड द एलिफेंट ट्रम्पेट. ही ट्राइड अगेन विद ऑल हिज माइट बट टू नो यूज. द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑन हिज फीट ही स्टेप्ड इन टू द रिवर एंड द लास्ट वन इज इट वॉज कोल्डर दैन यूजल. अब देखिए मैंने आपको आंसर बताया क्यू पी आर एस. अब मैं पहले क्यू को देखता हूँ मार्क करके. नंबर वन क्यू, ही ट्राइड अगेन विद ऑल हिज माइट बट टू नो यूज. पी, एट ऑल वंस इन द डिस्टेंस ही हर्ड एन एलिफेंट ट्रम्पेट. द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑन हिज फीट एंड द लास्ट वन ही स्टेप्ड इन टू द रिवर. फाइन, उठ नहीं पा रहा था, एकदम से उसे एक आवाज़ आती है एक एलिफेंट ट्रम्पेट की, जो मैं सीक्वेंस में पढ़ रहा हूँ इसे, जो इन्होंने दी हुई है. फिर कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं. नेक्स्ट मोमेंट फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन सच में उठ जाता है, दरिया में चला जाता है. इट वॉज़ कोल्डर दैन यूजुअल, लेकिन ये ज़्यादा ठंडा था. अब देखिए हमने इसका सीक्वेंस जो दिया क्यू पी आर एस दिया, क्योंकि वन का नहीं दिया है यहाँ पे ऑप्शंस में, हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है. ऑप्शंस में पी क्यू पी आर क्यू एस है, पी क्यू आर एस है, क्यू पी आर एस है. अब हमने कहा क्यू पी आर एस मतलब ही ट्राइड अगेन विद ऑल हिज माइट बट नो यूज़. फर्स्ट बड़ी कोशिश की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. उसके बाद एकदम से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है एलिफेंट ट्रम्पेट की. उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट वो देखता है कि वो सच में पैरों पे खड़ा हो गया. ठीक है, पहले तो बहुत कोशिश की, नहीं हुआ. ठीक है, पैरों पे खड़ा हो गया. उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट वो उसने जब देखा पैरों पे खड़ा हुआ तो ही स्टेप्ड इनटू द वाटर. सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. द लास्ट वन अगेन हमने सीक्वेंस करनी है. फाइंड सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस मार्क्ड एज पी क्यू आर एस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल पैराग्राफ. सॉरी, वेनाइस इज अ स्ट्रेंज सिटी. देयर आर अबाउट 400 ओल्ड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आईलैंड ऑफ वेनाइस. देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेज, नो बसेज देयर. दीज स्मॉल आईलैंड आर क्लोज टू वन अनदर. इट इज नॉट वन आईलैंड बट 100 आईलैंड. देयर इज दिस इज बिकॉज वेनाइस हैज नो स्ट्रीट्स. ठीक है, अब देखें 1 से 6 तक दिया हुआ है इन्होंने ये, और ऑप्शंस दिए हुए हैं पी एस आर क्यू, एस पी एस आर पी क्यू, आर क्यू पी एस और क्यू एस आर पी. क्वेश्चन नंबर 25, एस आर पी क्यू इसका आंसर है. अब मैच करना स्टार्ट कीजिए. पहले लिखा है वेनाइस इज अ स्ट्रेंज सिटी, क्यों है इसके साथ में अब आगे चलेंगे. इट इज़ नॉट वन आइलैंड बट 100 आइलैंड्स, इसलिए यूनिक है, स्ट्रेंज है. फाइन, दीज स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के नज़दीक भी हैं. आफ्टर दैट देयर आर अबाउट 400 ओल्ड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइलैंड्स ऑफ वेनाइस. एंड द लास्ट वन, लास्ट ऑप्शन इज देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेज, नो बसेस देयर. फाइन, सो आपने माइंड में लाना है कि हम इसका पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं. और कनेक्टिविटी आपने अगर चेक कर ली हो कि पहले सेंटेंस के साथ, ये जो 1 2 लिखा है ना, ये फजूल में नहीं लिखा है इन्होंने, ये 1 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पैसेज. वेनाइस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ही कुड नॉट राइज से, और यहाँ फिलिप इज़ अ 55-year-old ब्लाइंड मैन. नंबर 1 जो दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द पैसेज. तो यहाँ पे वेनाइस इज अ स्ट्रेंज सिटी स्टार्ट था. ठीक है, स्ट्रेंज क्यों है पहले वो बताना है, बिकॉज इट्स नॉट वन आइलैंड बट 100 आइलैंड्स. ठीक है, और ये स्मॉल आइलैंड्स क्लोज टू ईच अदर हैं. देयर आर अबाउट 400 ओल्ड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइलैंड्स ऑफ वेनाइस. एंड द लास्ट वन इज द क्यू वन, देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेज, नो बसेज देयर. फाइन, सो दिस इज इट एंड्स योर 25th क्वेश्चन. ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच.